हरे कृष्णा। सो दीपावली का उत्सव है तो हमने सोचा कि रामायण से कुछ ना कुछ लेसन्स लिए जाएं। सो टुडे वी आर गोइंग टू शेयर 7 इम्पॉर्टेंट लेसन्स फ्रॉम रामायण। हरी बोल। तो पहला लेसन क्या है? सो लेसन नंबर 1 इज इनर रिचनेस ओवरराइड्स एक्सटर्नल ऑपुलेंस। सो भाई ऐश्वर्य किसी पास भले ही कितना हो लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? आपकी इनर रिचनेस, यानी कि आपके आंतरिक संतोष, आपकी आंतरिक संतुष्टि, आपका इनर कंटेंट, आपके अंदर की विचारधारा, आपका वैल्यू सिस्टम, वो ज़्यादा रिच होना चाहिए। हम देखते हैं जैसे रामायण के अंदर रावण जो है ही इज नोन एज दशानन, क्योंकि उसके बाद 10 सर है और उसको अपने 10 पे ना बहुत घमंड भी था कि मैं 10 हूँ और मैं इतना पूरा अपने आप के अंदर दैट हु कैन एक्चुअली डिफीट मी। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया, ब्रह्मा जी कितने सर? 4 सर। और शिव जी की मैं पूजा अर्चना करते हैं तो शिव जी मुझे कुछ नहीं कहने वाले, शिव जी कितने सर? 5। तो 4 और 5 कितने हुए? 9। अरे मेरे पास 10 सर है रे, मतलब कि शिव जी और ब्रह्मा जी मिला भी दें उनके सर तो भी मेरी बुद्धि तो ज्यादा है। तो इसलिए हालांकि उसके पास ये 10 सर हैं और उसको लगता है कि वो अपने आप में बहुत पूरा है। और भगवान श्री रामचंद्र किस दिन प्रकट हुए? 9वें के दिन। 9, आई एम 10, 10 10 10 अपना तो सब बढ़ गया है। सो ये भाव अब रावण के अंदर कि वो बहुत पूरा है, लेकिन कभी कभी 10 होते हुए भी लाइफ के अंदर फुलफिलमेंट नहीं होती। देखा जाए उसके पास सोने की लंका है लेकिन तीर्थस्थल किसको माना जाता है? अयोध्या को। इवन दो अयोध्या सोने की नहीं है लेकिन ये तीसरा काउंट होती है अयोध्या, क्योंकि वहाँ पर कोई युद्ध नहीं है, ना मानसिक रूप से ना आपस में रिश्तों में कोई युद्ध नहीं है। लेकिन अगर लंका में जाके देखें, लंका के अंदर तो वहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल कर ले ऐसा। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो रावण का केस है, रावण के केस के अंदर हम देखते हैं देयर इज सो मच ऑफ ऑपुलेंस या देयर इज नो फुलफिलमेंट। अच्छा दश, एक तो दश देख तो दशानन हो गए, और कौन है दश वाला? कोई दशरथ। दशरथ के जीवन में भी देखा जाए तो दशरथ इज सच अ पावरफुल वॉरियर। उनका नाम इसलिए है क्योंकि वो दसों दिशाओं में एक साथ लड़ सकते हैं, दसों दिशाओं में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, ऊपर नीचे, दसों दिशाओं में एक साथ लड़ सकते हैं। साथ ही दशरथ का मतलब ये भी है द वन हु हैज कॉन्क्वर्ड ऑल ऑफ हिज 10 सेंसेस, यानी कि 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां उनके वश में। तो इतना कुछ जब उनके वश में है, ही हैज गॉट सच अ फाइटिंग स्पिरिट ऑल्सो, सच फाइटिंग स्किल्स एज वेल, डिस्पाइट दैट दशरथ वॉज नॉट सेटिस्फाइड। 10 है उनके पास दशरथ, इवन देन ही इज नॉट सेटिस्फाइड। तो कभी कभी आपके पास 10 है, 10 मतलब पूरा हिसाब किताब है लेकिन फिर भी संतोष नहीं होगा जीवन के अंदर। ऑन दी अदर 9 इज एक्चुअली द डिजिट ऑफ भक्ति। कहते कैसे कैसे जी? आप देखिए जहां पर भी कॉम्बिनेशन बनाकर 9 बनता है दैट इज वेरी ऑस्पिशियस। जैसे कि भगवद गीता में है 18 श्लोक, 18 अध्याय है भगवद गीता में, 18 अध्याय, सो 1 और 8 9, 108, 1008 या फिर 18,000 श्लोक, ये सारे कॉम्बिनेशन बनाते हैं किसके? 9 के। सो 1 का मतलब शक्तिमान, 8 का मतलब भगवान की शक्तियां। तो इसीलिए 1 और 8 मेक्स वेरी ऑस्पिशियस कॉम्बिनेशन। तो इससे 9 जो है वो ज्यादा ऑस्पिशियस है। अभी इसको ऑफकोर्स न्यूरोलॉजी मतलब जाना चाहता है, लोग प्रभु जी हमने डैड किया था मेरा तो 10 निकल रहे हैं, मतलब और तो हो गया फिर। ये बात सिर्फ समझने की है कि कभी कभी हमारे एक्सटर्नल ऑपुलेंस हमें 10/10 दिखा रहे होते हैं, इवन देन लाइफ में फुलफिलमेंट नहीं होती। और जहां पर 9 है लगेगा अरे यार 1 से चूक गए, सर वही कंप्लीट है अपने आप में। इस को जो लोग बहुत 10/10 वाले बच्चे होते हैं ना, वो थोड़े से अलग से होते हैं, मतलब अजीब से होते हैं। 8-9 नंबर वाले कहते हैं ये नॉर्मल होते हैं, आप देखो उनसे बातचीत होकर कहते हैं हाँ क्या करें अब, एक हाथ नंबर कर दिया, गलती हो गई हमसे। सो 9 कैन मेक यू फुलफिल्ड एक्चुअली। तो इसलिए हमेशा हमेशा बाहरी ऑपुलेंस के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए, इनर फुलफिलमेंट के ऊपर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सो दैट्स लेसन 1 टू बी लर्न। सेकेंड इज दैट नेगेटिविटी, नेगेटिविटी कैन मेक बैड बार्गेन इन टू वर्स्ट बार्गेन। इसका बहुत ही सुंदर एग्जांपल रामायण के अंदर आता है ऑफ विश्वामित्र मुनि एंड वशिष्ठ मुनि। आप सब जानते हैं ये जो वशिष्ठ मुनि है ही इज ब्रह्मयोगी
और उनको ब्रह्म का साक्षात हो रखा है. सो बीइंग अ ब्रह्म योगी और ब्रह्म ऋषि ही इज सो कंप्लीट. सो इसे विश्वामित्र मुनि ने जब अटैक भी किया तो अरे उनकी तो काम धीनु गाय नहीं, सैनिक निकाल करके पूरा निपटा दिया. लो जी, इसके बाद विश्वामित्र मुनि बिकेम वेरी एंग्री. अरे ऐसे कैसे, एक गाय ने मेरा ये हाल कर दिया, हमारी सारी सेना निपट गई एक गाय से. What kind of guy? Bewildered. उसके बाद फिर उन्होंने तपस्या भी की, तपस्या करके उन्होंने शक्तियां भी प्राप्त की, शिवजी को प्रसन्न किया और शिवजी से क्या मांगा, इतनी घनघोर तपस्या करने के बाद, I should have infinite supply of missiles. तीर कमान नहीं, मिसाइल्स मांगे शिवजी से. और शिवजी ने भी दे दी, शिवजी के पास कौन सी कमी है, शिवजी के पास बहुत है. तो शिवजी से इतनी सप्लाई लेने के बाद उसके बाद अगेन ही अटैक, जब उन्होंने मिसाइल से अटैक किया, उस वशिष्ठ मुनि ने तो वहां पर एक घास का तिनका उठाया, मंत्र उच्चारित किया, फेंक दिया, जितनी मिसाइल थी सारी सारी उस तिनके में समा गई और तिनका नीचे पड़ा हुआ. विश्वामित्र मुनि क्या है ऐसा कैसे, सारी मिसाइल थे, हाँ ये इसमें इसका जिप फाइल यहीं पर है. तो बहुत बेइज्जती है. तो कोई बात नहीं, मैं और तपस्या करूंगा, घनघोर तपस्या करूंगा मैं. सो घनघोर तपस्या की. अब एक्चुअली उसके बाद देखो, देखा जाए छोटी सी निगेटिविटी, मतलब जिसने आपका काम तमाम किया, किसने किया, किसने बेइज्जती की, एक गाय ने और एक घास के तिनके ने, इसको लेकर के इतना बड़ा हजूम बना दिया. मतलब विश्वामित्र मुनि उसके अगेन ही वेंट फॉर तपस्या. फिर कौन आ गया उनकी लाइफ में, तकदिन करती, मेन घबड़ोगे मेरे से. फिर तपस्या की, अगली बार रंभा आ गई, कहते रंभा तू फिर तुम लोग आती रहा करो, दिमाग खराब करती रहती है, तो तपस्या पहले इस बार क्रोध आ गया. हर बार भाई तपस्या करने जाओ तपस्या में गड़बड़ी हो जाती है. सो फाइनली ही वेंट टू वशिष्ठ मुनि की, ना देखिए आई एम कॉम्पिटिंग विद यू, यू आर ब्रह्म ऋषि, मुझको भी ब्रह्म ऋषि बनने का है, तो मैं तपस्या करता हूँ लेकिन हर बार जो मैं इकट्ठा करता हूँ वो तो आप तिनको में निपटा देते हो आप, और वैसे अदरवाइज मुझे कोई निपटा देता है या काम में या क्रोध में, ये चक्कर क्या है. तो फिर उनको वशिष्ठ मुनि ने बताया कि क्योंकि आप जो तपस्या कर रहे हैं वो प्रतिस्पर्धा की भावना से कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक वो एक रंज है आपके मन के अंदर, एक रंज है कि ना मेरी बेइज्जती एक गाय ने कैसे कर दी, मेरी बेइज्जती एक घास के तिनके ने कैसे कर दी. उसके बाद फिर आपकी खुद की रिपीटेड बेइज्जतियाँ हो ही जा रही हैं लेकिन फिर भी आपकी प्रतिस्पर्धा की भावना से जो तपस्या कर रहे हो इसलिए आपको लाभ नहीं मिल रहा. तो कभी कभी हम भी छोटी सी चीज़ को लेकर के बैठे रहते हैं, उसको बड़ा करते रहते हैं. सोचिए अगर आप किसी के पास जाएँ और कोई आप से कोई आपको धोखा दे दे बिजनेस में, या आप कुछ खरीदने के लिए गए शॉप से, उसने आपको गलत चीज़ दे दी, अब आपकी अपनी सारी प्रॉपर्टी लगा दो उसको बर्बाद करने में, उसको बर्बाद कर दूंगा मैं. कहते क्यों, इसने धोखा दिया मेरे को, 10 रुपये की चीज़ 12 रुपये बेची मेरे को, बर्बाद करके रख दूंगा इसको मैं. कुछ ज़्यादा ही हो गई. और ये हम सब करते हैं कहीं ना कहीं. हल्का सा कोई ना कोई इशू था उस पर कॉन्टम्पलेट कर करके उसको बड़ा यहाँ हम बनाते हैं. उसके बाद उसके साथ प्रतिशोध की भावना, उसको हरे कृष्णा ना करना, उसको मुंह नहीं देखना, उसके बारे में कचर कचर कुचुर कुचुर करना, कैसा हुआ क्या था वैसे कुछ नहीं, जब मैंने लिफ्ट मांगी मेरे आंखों के सामने से निकल गया. हल्का. तो छोटी चीज को बड़ा कौन करता है, हमारा मन करता है. सो निगेटिविटी मेक्स आर बैड बार्गेन इंटू वर्स्ट बार्गेन. और ये हम रिश्तों में करते भी हैं, जैसे हमारे जैसे अब एक दिन के अंदर हमें मिलते करीब 86,400 सेकेंड्स मिलते हैं, इसमें से अगर कोई 10 सेकेंड कोई आपके ख़राब कर दे, उसके चक्कर में आप पूरे 86,400 में से -10 वाले सारे सेकेंड उसको बर्बाद करने में लगा दो, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं. सो दिस इज वॉट वी लर्न फ्रॉम रामायण. और आप देखिए जब वैन ही लर्न दिस एटीट्यूड कि यार ये ग्रजिंग वाले एटीट्यूड में कितना एनर्जी वेस्ट होती है, लेटर ऑन देन ही डिड तपस्या, ही बिकेम प्यूरिफाइड, ही ऑल्सो बिकेम ब्रह्म ऋषि टू द एक्सटेंट कि आप विश्वामित्र मुनि भी भगवान की लीलाओं में, जब राम और लक्ष्मण को वकेशन में लेकर गए, समर वकेशन में कौन लेके गए, विश्वामित्र मुनि
फाइनली फिर जनक महाराज के यहाँ जब पहुंचे हैं तो सारा धनुष को तोड़ना, सीता के साथ विवाह की बात आनी, ये सब किसके सामने हुआ? विश्वामित्र मुनि। और ये जब हुआ उसके बाद फिर धन्य वशिष्ठ मुनि भी थे, दशरथ महाराज, उनकी तीन, उनकी वाइफ और उनके सारे अयोध्या वासियों के साथ ये भी पहुंचे वहां पर। देयर ही इज हैविंग वेरी फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन विद वशिष्ठ मुनि। अरे क्या बात बोल दिया, अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था। और दशरथ महाराज, जनक महाराज दोनों को देख रहे हैं, हम लोग तो खुश हैं हमारे बच्चों की शादी हो रही है, ये ऋषि मुनि हमसे ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। नाउ बिकॉज ऑफ भक्ति दोनों के बीच में इतना सुंदर रिश्ता हो गया वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र मुनि के बीच में, दैट दे वर डिस्कसिंग समथिंग एंड दे वर वेरी हैप्पी। आप बताइए आप लोग इतने क्यों खुश हो रहे हैं? तो उन्होंने डिस्कस किया, अपना अपनी बात बताई कि ना हम लोग ये चर्चा कर रहे थे जब सीता और राम की यहाँ पर शादी की बात हो रही है तो सीता की जो बहनें हैं उनके साथ राम जी के भाइयों की शादी क्यों ना कर दी जाए? भाई मांडवी का विवाह कर रहे थे हम भरत जी के साथ, और उर्मिला का विवाह कर रहे थे लक्ष्मण के साथ, और शत्रुघ्न का विवाह कर रहे हैं शत्रुघ्न के साथ, तो कैसा रहेगा ये? तब भी हम कहें भाई फीस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा होने वाली है इसीलिए फिर सबके साथ विवाह हुआ, सबका विवाह हुआ। तो कहाँ पर एक जोड़ा आना था वहाँ पर चार जोड़े। नाउ दे केम टू गेट कमिंग बैक टू अयोध्या। पर ये विश्वामित्र मुनि वही है हु वाज कॉम्पीटिंग विद वशिष्ठ मुनि। तो इसलिए अगर कभी हमारा मन किसी छोटी चीज़ में फंस जाए, किसी ने कोई दुख दिया आपको, कोई कष्ट दिया आपको, राइट, तो उससे ना निकल जाना चाहिए, कहता आगे बढ़ो यार, इन चक्रों में फंसे रहेंगे फिर तुम्हारी भक्ति हो चुकी। हम किस किस को अनुभव है कि आपका जपा साधना खराब हुई हुई है एक छोटे से कीड़े को लेकर के? हम सब में ज्यादा कई लोगों ने जपा खराब किया अपना। जब भी जपा खराब करना, इनअटेंटिव चैंटिंग करना इज वे बिगर डैमेज विच यू आर डूइंग। सोचो आप दो घंटा बैठे आ रहे जबकि वो जीरो चैंटिंग है, जीरो चैंटिंग। उस चैंटिंग से आपको जन्मों जन्मों में कृष्ण प्रेम नहीं मिलने वाला, लेकिन है वो जिस चीज़ को लेके है, फला फला इनजस्टिस, फला फला किसी कटु वचन, फला फला धोखा दिया, अरे वो कुछ नहीं है उसके सामने, ये जपा का नुकसान ही बहुत बड़ा नुकसान है ये, पर कर लेते हैं। सो कहीं ना कहीं हम भी विश्वामित्र मुनि की तरह एक्ट करके एक बैड बार्गेन को वर्स्ट बार्गेन बना देते हैं। So this we should learn. So that's lesson number two. Lesson number three, to make bridges or to break bridges is your choice. रामायण के अंदर ऐसे कैरेक्टर भी हैं जिन्होंने की ब्रिज तोड़े हैं, जैसे मंथरा। मंथरा ने ब्रिज तोड़े, देखा भी ओके कैकई का राम से इतना प्यार है मुझको ये ब्रिज तोड़ना है, इस रिश्ते के ब्रिज को तोड़ना है। हालांकि लगता है कि रामायण से एक ही ब्रिज हुए बस, वो जो लंका की ओर बनाया गया बस वही एक ब्रिज था, लेकिन और भी बहुत सारे ब्रिजेस हैं और ब्रिजेस को बनाने वाले भी हैं, तोड़ने वाले लोग भी हैं। मंथरा वाज वन सच पर्सन, ग्रजिंग नेगेटिव मंथरा। मंथरा के अंदर में वैसे हल्की बुल्की नेगेटिविटी थी, लेकिन जब भी राम को देखती शी वुड बिकम इवन मोर एंग्री और मोर नेगेटिव। और एक समय ऐसा हुआ, चारों भाई जो थे वो मिट्टी में खेल रहे थे और मिट्टी से लथपथ हो रखे, पहचान भी नहीं आ रहा इसमें राम कौन है, लक्ष्मण कौन है, भरत और शत्रुघ्न कौन है, चारों भाई एक जैसे दिख रहे, अदरवाइज दोनों चारों का कॉम्प्लेक्शन अलग अलग है तो पहचान पाते थे ओके ये जो ग्रीनिश वाले हैं दैट्स राम, वाइट वाले लक्ष्मण, थोड़े से ग्रे वाले दैट्स भरत, शत्रुघ्न इज ऑल्सो वाइटिश, तो पता लग जाता था। लेकिन यहाँ पर तो मिट्टी से सरा बोर हो रखे हैं चारों के चारों, पता नहीं चल रहा चारों को। तो तीनों माएँ आईं, कहते ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अब इन्होंने कीचड़ के गोले बना बना के माओं को भी लपेट दिया, अब यहाँ पहचान में नहीं आ रही कौन सुमित्रा है, कौन इसमें कौशल्या है, कौन कह गई है, कुछ नहीं पहचान में आ रही। तो ये बच्चों के साथ खेल रही है। तो मंथरा ने आके देखा, ये देखो ये राजघरानों में ये चल रहा है, कीचड़ से लथपथ हो रखे हैं ये चारों बच्चे तीनों माएं। राम जी ने देखा काफी दूर खड़ी हुई है मंथरा, ऐसे गोला बनाया मिट्टी का, उसको उछाला और तीर मारा और वो पूरा गोला छपाक देना। तो मंथरा भी जो थी वो भी टेढ़ी मेढ़ी लिखे थे, ये पहचान में आ रही है तो मंथरा ये। लेकिन मंथरा को बहुत गुस्सा आ गया कि जिस तरह से मेरे को तूने कीचड़ कीचड़ किया है मैं ब्रिज तोड़ूंगी, यस ये जो सारा इतना हंसता खेलता परिवार है ना जहर मिला के रख दूंगी। सो शी वॉज द वन, मंथरा वॉज द वन हु ब्रोक द फैमिली।
परिवार को तोड़ने वाली मंत्र है, उसके दैन ही शिवेंडु कह के का मन खराब करना, उसको बताना कि तू क्या कर रही है, तू तो अंधी हो चुकी है। पहला सबसे ज्यादा प्यार तो कौशल्या से, सब जगह सबसे ज्यादा प्यार किससे मिला, किसको करे दर्शन महाराज, कैकेयी को, शी वॉज यंगेस्ट एंड शी वॉज ब्यूटिफुल ऑल्सो, तो इस उनको जो छोटा होता है उसको ज्यादा प्यार मिलता ही है, बल्कि कौशल्या मैया को सबसे कम अटेंशन देते दर्शन महाराज, बट शी वॉज वेरी कूल, उनको परवाह नहीं है, उनको ना बल्कि उन गुरुकुल खोल के रखा है, उस गुरुकुल के अंदर 10,000 बच्चे पढ़ते थे। सो माता कौशल्या शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ 10,000 स्टूडेंट्स, क्या गुरुकुल होगा वो, वाओ 10,000 बच्चे, वो भी कौशल्या मैया के गुरुकुल के अंदर। पर वो कभी नहीं थी मैं थोड़ी मैं थोड़ी बटपटरानी हूँ, मेरे को टाइम तुम देते नहीं हो, क्या तुम है मैं क्या का, ये कौशल्या मैंने कभी नहीं किया, जानती हैं ये यंग रानियाँ हैं, दे नीड मोर अटेंशन, इट्स ओके, इट्स ओके। सो शी वॉज मोर प्रैक्टिकल एक्चुअली। लेकिन ब्रिज तोड़ने का कार्य किसने किया, मंथरा ने। तो ऐसे लोग भी हैं जो कि ब्रिज तोड़ने का कार्य करते हैं, और ऐसे भी हैं जो कि ब्रिज बनाने का कार्य करते हैं, जैसे कि हनुमान जी। हनुमान जी जब सीता मैया के पास पहुँचे तो उन्होंने बताया सीता मैया को कि किस प्रकार से राम जी चाहते हैं कि राम जी आपकी और पूछ कर चुके हैं, बस वो आपको ढूंढ ही रहे हैं, बस जाके आपको मेरे को बताना है आपका हाल, एंड देन वी वेरी सून राम जी विल बी हियर। तो सीता ने मुझे पूछा, सीता मैया ने कहा कि ना लेकिन हनुमान इतना समय क्यों लग रहा है, राम जी को ये ब्रिज बनाने में इतना समय भला क्यों लग रहा है। सो हनुमान जी ने बोला कि ना एक्चुअली एक जो चीज़ उनको भुला रही है या फिर जो डिले कर रही है वो ये है कि उनका ये भूल जाना कि वो बहुत पराक्रमी राजा है। तो सीता मैंने कहा ऐसा भला वो कैसे भूल सकते हैं, वो इतने पराक्रमी है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है, इसमें क्या संदेह, तो ऐसा क्यों भूल रहे हो। तो फिर हनुमान जी ने बोला क्योंकि वो आपके विरह में इतने ज़्यादा डूब चुके हैं कि उस विरह की भावना में वो भूल गए हैं कि वो बहुत पराक्रमी राजा भी हैं, ही इज़ गॉड हिमसेल्फ, ही कैन डिफीट रावण लाइक अरे ईजीली, क्योंकि आपकी स्मृति में रहते हैं हमेशा, इसीलिए। ये सुन करके सीता मैया को बहुत शक्ति मिली कि मेरे राम जी मेरे बारे में इतना सोचते हैं। सो वट इज सेपरेटिंग हिज स्ट्रेंथ फ्रॉम मदर सीता इज फॉरगेटफुलनेस अबाउट हिज पराक्रम, वाई, बिकॉज ही इज रिमेम्बरेंस ऑफ मदर सीता, ऐसा। और राम जी को बोला जाके क्या बताया, राम जी को बोला के बताया कि सीता मैया ऑल दो शी इज सराउंडेड बाई नेगेटिव पीपल बट शी इज ऑलवेज रिमेम्बरिंग यू। सीता मैया ने क्या बताया, सीता मैया का हाल क्या बताया हनुमान जी ने, हनुमान जी ने बताया कि वास्तव में सीता मैया के जो प्राण हैं एनी टाइम दे कैन लीव, क्यों, क्योंकि प्राण जो हैं वो जल रहे हैं किसमें, फीलिंग ऑफ सेपरेशन, पूरा शरीर जो है तपिश में है इन सेपरेशन फ्रॉम श्री राम। तो अगर इतनी तपिश हो तो प्राण भला क्या ही बचेंगे, लेकिन क्योंकि आंसू भी गिरते रहते हैं इस आशा में कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम उसे बहुत प्रेम करते हैं, सो उन अश्रुओं की वजह से वो अग्नि थमकी रहती है, तो इसलिए प्राण जो है वो बाहर नहीं आते। दिस इज द कंडीशन ऑफ मदर सीता। अब जब ये डिस्क्रिप्शन दिया सीता माता के प्रेम के बारे में राम जी को, राम जी ने कहा सीता ओ व्हाट लव शी हैज फॉर मी, और सीता मैया वाकई में बिकॉज शी वॉज सो मच लॉयल टू श्री राम, फीलिंग ऑफ सेपरेशन, इतनी टेम्पटेशन चारों ओर होते हुए भी, इतनी थ्रेटनिंग कंडीशन होते हुए भी, इवन देन सीता मैया कुड नॉट बी टेम्प्टेड। एक्चुअली रावण जब सीता मैया को लेकर के आया था लंका में, इससे पहले जितने भी गेस्ट आए थे कभी लंका, तो लंका दिखाई गई थी बाय सम अदर गाइड, कहता वाई गाइड तुम दिखा के लाओ लंका हमारी कैसी। फर्स्ट टाइम एवर रावण हिमसेल्फ बिकेम द गाइड सीता को इम्प्रेस करने के लिए, कि सीता मैया इम्प्रेस हो जाएंगी, आइए मैं आपको लेके जाता हूँ, ये सीधा रास्ता, ये हमारा ये रॉयल रास्ता है, ये इस तरफ, ये जो है ये हमने फला फला देवता की बैंड बजा करके हमने ये इकट्ठा किया था ये, और उससे फिर हमने ये जो ये महल है ना ये हड्डियों का है बेसिकली, उनका फ्लैश हम खा लिया करते थे और हड्डियों से फिर हमने इसको कार्व आउट करके ये, दिस इज अच्छा लगा आपको। लोग भी हैरान थे, लंकावासी भी हैरान थे, कहते भाई कभी भी बंदे ने कभी खुद गाइड बन के शहर नहीं दिखाया अपना लंका, ये कौन सी रानी आई है, हैं ये सीता नाम की, जिसको तो प्रश्न ऐसी, रावण को लग रहा था कि अब तक तो मैं बहुत कामुक था, अब मुझको शायद प्यार हो गया। केस तो उसका भी खराब ही है, रावण वाज नेवर इन लव विद मदर सीता, नेवर एवर।
लेकिन वो इतना इंप्रेस था बाय द ब्यूटी एंड प्योरिटी ऑफ मदर सीता, उसको इसीलिए ऐसा फील हो गया, हाँ ये मेरा पहला पर माता सीता है तुम प्यार कुछ नहीं, शी वॉज लॉयल टू श्री रामचंद्र, उनका मन जो है वो एकदम फिक्स्ड है श्री रामचंद्र में। इससे जब भी रावण आता भी था ना, रावण का कैसे घास का तिनका फेंक के मारती थी, कहते घास का तिनका क्यों, कहते घास का तिनका रख ले क्योंकि मेरे राम आएंगे ना जब तेरी लंका को जला के भस्म कर देंगे तो तेरे को झोपड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, इससे झोपड़ी बनाई होती है, तेरी झोपड़ी बनाने के लिए दे रही हूँ मैं। और साथ ही तिनका इससे फेंकती थी त्रिनादपी सुनीचे ना, तो त्रिन के समान विनम्र वन यू एरोगेंट फेलो, सो दैट्स मदर सीता। तो हनुमान जी ने यहाँ पर ही इज मेकिंग अ ब्रिज बिटवीन मदर सीता एंड श्री राम, एंड दैट्स अ डिवोटी, जो शक्ति और शक्तिमान को साथ लाने का प्रयास करता है, दैट्स अ डिवोटी एंड दैट्स हनुमान जी। तो ऐसे लोग भी हैं हु ब्रिज द गैप। राम जी हिमसेल्फ ऑल्सो ही मेड द ब्रिज टुवर्ड्स लंका। कैसे? अब वैसे तो जितने वानर सेना है सबने पत्थर लेकर कहा है राम जी का नाम लिखा, अब ये ब्रिज तो बन गया जी, बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। लेकिन वानर सेना ये कोई ऐसे हमारे ऐसे वानर नहीं है जो निकल जाए, ये देवर ह्यूज बिकॉज ये डेमी गॉड्स हैं, मैनी ऑफ द डेमी गॉड्स दे अपीयर्ड एज वानरस। अब ये लोग अगर चले धम धम धम, ये ब्रिज तो इकट्ठा हुआ है पत्थर, पत्थर तो धुम फैल जाएंगे, ये स्टेपल करके जोड़े थोड़ी हुए थे आपस में, ये स्टेपल करके जोड़ भी देंगे अगर तो भी बिखर जाएंगे, स्टेपल भी टूट जाएगा भाई, क्योंकि ये लोग चलेंगे ताड़ 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 ताड़। और इतने सारे वानर एक्चुअली एज पर रामायण वाल्मीकि रामायण दे वर 10 to the power 67 वानरस, कितने 10 to the power 67, ये कोई साधारण आर्मी नहीं थी कि दो चार वानर जो है सो यहाँ बोले 100 crore वानर, 10 to the power 67। और ये सबके साथ ऐसे छुटर पुटर भी नहीं है, ये दाम दाम करके ऐसे बोले हैं ये वानर। मतलब एक्चुअली अर्जुन को भी थोड़ा डाउट था कि ना राम जी को ये क्या वानर सेना को लेकर के ब्रिज वगैरह बनाना पड़ा, भाई इतने बड़े धनुर्धर होते तो तीर चलाते, तीरों के बनाए थे। और एनीवेज बोला जाता है ही इज वाज अ ग्रेटर ग्रेटेस्ट आर्चर, पर मैं होता ना मैं ऐसे सेवा भी नहीं करता, तीर मारा। हनुमान जी ने कहा अच्छा बना जरा एक ब्रिज बना जरा तो गोदावरी में ब्रिज बनाया अर्जुन ने, हनुमान जी ने सिर्फ पूछ मारी उस पर, चिथड़े उड़ा दिए उसके, कहता ये तो चाइना ब्रांड से भी घटिया क्वालिटी का, इस बार ये मंत्र मंत्र करके फिर मारा, फिर ब्रिज बना, हनुमान जी ने फिर पूछ मारी, चिथड़े उड़ा दिए, कह सर वेरी बैड क्वालिटी, अच्छा हुआ तुम राम जी की लीलाओं के अंदर ब्रिज बनाने की तुमको सेवा नहीं दी गई थी, नहीं तो हमने तो कभी लंका हमने पहुंच ही नहीं माना था। मतलब अर्जुन की ऐसे खुल्लम खुल्ला बेइज्जती, तो ये तो वानर में तो पूछ मार के ना, हम तो पाँव भी ना रखे तुम्हारे ब्रिज के ऊपर। इस बार जो है इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम ले करके ब्रिज बनाया, ब्रिज बनाया, पूछ मारी हनुमान जी ने, नहीं टूटा, पाँव रखा नहीं टूटा, दोनों पाँव रखे नहीं टूटा। अर्जुन को लगा है इज्जत बच गई हमारी। इसके बाद हनुमान जी ने स्टार्टेड जंपिंग ऑन दैट ब्रिज, नहीं टूटा, ऐसा कैसे? तो नीचे जाके देखा, जब हनुमान जी नीचे देखा तो उन्हें राम जी के दर्शन किए कि राम जी वास्तव में ब्रिज को संभाले, दैट मीन राम जी सपोर्टिंग अर्जुन। और जब अर्जुन नीचे देखा वहां कृष्ण भगवान थे, कहते भैया भगवान ने संभाला हुआ सब कुछ। हाँ तो ये जो ब्रिज बना था लंका की ओर, अब ये ब्रिज है इस पर तो अगर वानर सेना चली तो बिखर भी जाएंगे, तो इसलिए फिर भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो एक्वेटिक एनिमल्स थे उनको बोला आप इसकी बाउंड्री पे इसको संभाल के रखो ताकि पत्थर बिखर ना जाए, इसी बाउंड्री को संभाल के रखो। पर लेकिन जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स थे उन्हें बोला लेकिन राम जी हम वो संभाल तो लेंगे लेकिन एक बार चलना शुरू करेंगे ना ये वानर सेना वाले तो हम तो हम भी बिखर जाएंगे, तो इसलिए हम बाहर कितने और लगाएं, मतलब इनको रोकने के लिए, ये इनको रोकने के लिए कितना करेंगे। राम जी ने बोला चिंता मत करो, मैं तुम सबके हृदय में परमात्मा रूप में रहता हूँ, मैं तुम सबको शक्ति दूंगा कि तुम इसको संभाल सको। और इस प्रकार से एक्वेटिक एनिमल्स ने भी बाहर की बाउंड्री में ब्रिजिंग की ताकि वानर सेना पार कर सके। तो यानी कि हमें अपने बेस्ट एफर्ट्स करने पड़ेंगे फिर भगवान संभालेंगे, यानी ब्रिज वगैरह बनाना ये तो सारी मेहनत तो की ना वानर सेना ने, उसके बाद भी ब्रिज तो बिखरने का ही है,
ये भगवान ने संभाला। तो इसने हम सोचा भगवान है तो क्यों नहीं करते, भगवान ऐसा कर तो भगवान क्यों नहीं करते, तो तुम क्या करो लल्लू लाल। फर्स्ट वी आर टू डू आवर बेस्ट एंड देन कृष्णा टेक्स केयर ऑफ द रेस्ट और राम जी टेक्स केयर ऑफ द रेस्ट, ये भाव लेके चलना चाहिए। तो इसीलिए ब्रिज मेकिंग में जाएंगे या फिर या ब्रिज तोड़ने में जाएंगे, राम जी ने सिर्फ ये वाला ब्रिज नहीं बनाया, इसके अलावा रिश्तों का ब्रिज बनाया। जैसे कि अब जब दशरथ जी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि यस अब तो नाउ राम इज गोइंग टू द किंग, वैसे हालांकि हुआ ऐसे ये था, दशरथ महाराज ने जब सब सारे अयोध्यावासी को बोला कि मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सबको बताना चाहूँगा कि अब अगले राजा राम होंगे, सबने इतना हर्षोल्लास से इस बात का स्वागत किया एज ही वो कह रहे थे दशरथ जी आप आज रिजाइन कर दो बस। सो फॉर अ व्हाइल इवन दशरथ महाराज को थोड़ा अजीब लगा कि क्या तुम लोग मेरे से इतना दुखी थे क्या कि मैंने डिक्लेयर किया तुमने कहा आप ये बहुत बड़े आप। बेसिकली लॉर्ड राम इज वेरी वर्चुअस, लॉर्ड राम इज वेरी वेरी वर्चुअस। तो राम जी जब बोलते हैं तो जो जो मंत्री वगैरह थे उन्होंने सबने ये बोला दशरथ महाराज को कि आप भी बहुत अच्छे राजा हैं नो डाउट, लेकिन राम जी की फिर बात कुछ और ही है। यस व्हेन राम व्हेन ही स्पीक्स सो डिलिजेंटली सो आर्टिकुलेटली एकदम प्रिसाइजली बोलते हैं श्री रामचंद्र। इन टर्म्स ऑफ स्किल्स राम जी के स्किल्स दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स। यह दशरथ के है कि भाई ओके दसों दिशाओं में एक साथ लड़ लेते हैं, राम जी जो है दसों दिशाओं नहीं इसके अलावा जो बीच बीच की दिशाएं भी बची हुई है ना उनमें भी लड़ लेते हैं। जैसे खर दूषण के साथ 14,000 राक्षस आए थे 14,000 और उस वक्त राम जी ने पहले सीता को भेज दिया, कहते भाई लक्ष्मण भाभी को ले जा इनको वायलेंस पसंद नहीं है। उसके बाद राम जी ने अपना जो राइट पांव था वो एक पत्थर पे रखा, पत्थर एक निकला हुआ था उसे पत्थर पे रखा। उसके बाद देखा चारों ओर ये भूत प्रेत पिशाच ये 14,000 खरदूषण उसके सारे राक्षस। उसका राम जी ने तीर निकालना शुरू किया और वो तीर निकालते कब थे, चढ़ाते कब थे और छोड़ते कब थे, ये तीनों एक्टिविटी कोई देख नहीं पाया। सिर्फ ये था कि एक पॉइंट से ना तीरों की बौछार है और लेकिन वो पॉइंट पे उस व्यक्ति वहां कौन है, नोबडी कुड सी राम। राम जी दिख ही नहीं रहे थे कि वो कब निकालते हैं कब चढ़ाते हैं कब खींचते हैं कब मारते हैं और कौन सी दिशा में, बस एक ये दिख रहा है एक ही जगह से बहुत सारे तीर निकल रहे हैं। So there was one sage who was sitting on the back side of Ramchandra. उनको हल्का सा glimpse नजर आया। तो राम जी इतने सुंदर दिख रहे हैं तीर चलाते वक्त, although it's a दिखने में लगेगा कि तो it's a very violent activity, लेकिन वो violent activity भी इतनी सुंदर तरीके से कर रहे हैं राम जी। तो उन्होंने 100 छंद का एक poem लिख दी रामचंद्र जी की glories में, that how Ram looks when he shoots arrows. और आसपास कहते हैं बस किसी का हाथ किसी उंगली किसी का RCT हो के दांत सब चित्र पत्र पत्र खर दूषण की पूरी आर्मी के साथ, पहले 9,000 निपटाए फिर 5,000 और निपट गए। सो इन टर्म्स ऑफ स्किल्स ही इज रियली ऑसम। तो इस तरह से उन्होंने फिर रामचंद्र जी का गुणगान किया कि जब रामचंद्र चलते हैं सो ठुमक चले थे रामचंद्र। रामचंद्र जी का चलना जो है इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक डांसिंग, ऐसा है रामचंद्र जी का चलना। और रामचंद्र जहाँ 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 चलते हैं तो उनके पाँव के निशान होते हैं, उन पाँव के निशानों के ऊपर कभी सीता मैया पाँव नहीं रखती बिकॉज शी एडमायर्स द फुटप्रिंट्स ऑफ श्री रामचंद्र। और लक्ष्मण जो है वो कभी इन दोनों के पाँव पे निशान नहीं रखते बिकॉज ही एडमायर्स बोथ ऑफ देयर लोटस फीट। तो इसे जब दोनों चलते हैं फॉरेस्ट में सो पीपल कुड सी, जो अभी तक निराकार पे ध्यान लगा रहे थे ओ ओम क्या कहते वही निराकार जो सर्वसाक्षी है सर्वव्यापी है, कहते हैं देख आँख खोली देखा ये ओम चल रहा है, कहते अ आगे उ पीछे उसके पीछे म बिकॉज अ इज श्री राम उ इज ऊर्जा श्रीमती सीता मैया एंड देन म इज लक्ष्मण, कहते हैं ओम को तूने चलते देखा, कहते हैं हाँ अरे हम तो निराकार माने थे इनको अभी तक रे। तो जितने संत महात्मा थे अरे दे वर स्टंड। सो इसलिए रामचंद्र इज रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी एवरीथिंग। एक और जो सुंदर चीज़ है श्री रामचंद्र जी के चरित्र के अंदर कि रामचंद्र जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी एक्सपर्ट है। और ज़्यादा इफेक्टिव क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? नॉन वर्बल, यस वर्बल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर किसी से कॉलर पकड़ के आई लव यू बोले आपको बुरा लगे बिकॉज
वर्बल तो अच्छा है लेकिन जैसे वो किया गया अरे। सो रामचंद्र जानते हैं कहां पर नॉन वर्बल यानी बॉडी लैंग्वेज वाला कम्युनिकेशन करना है, ही नोज दैट। सो जब दंडकरण जब फॉरेस्ट में जब पहुंचे तो वहां पर संत महात्माओं से मिल करके एट दैट टाइम रामचंद्र जी ने उस फॉरेस्ट में एंटर करने से पहले अपना जो धनुष था उसका धागा निकाल दिया। धागा निकालने मतलब है नाउ हियर इज नॉट गोइंग टू बी एनी काइंड ऑफ वायलेंट एक्टिविटीज, हियर आई एम गोइंग टू बी पीसफुल। तो जितने लोग उनको देख के धनुष बाण को सोच भी रहे थे ना वो रिलैक्स हो गए थे, अरे वो तो धागा निकाल दिया उन्होंने। नाउ इट्स अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ना, सो इसलिए रामचंद्र जी इज वेरी एक्सपर्ट इन ब्रिजिंग द गैप, क्रिएटिंग ब्रिजेस बिटवीन द टू। जैसे लक्ष्मण बिकेम वेरी एंग्री जब रामचंद्र जी का बात आई, रामचंद्र जी का वनवास होगा, भरत बनेंगे राजा, लक्ष्मण ही क्रिटिसाइज भरत कि तूने क्या होगा, तूने अपनी माँ को बोला होगा, तू सारा खेल खेल मैं राजा बनूंगा। देखो भरत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो उस वक्त रामचंद्र जी ने भरत का साथ लिया, कहते नहीं भरत ऐसा कर ही नहीं सकते। फिर उन्होंने भरत का गुणगान किया कि भरत कैसे हैं, कि भरत वैसे बहुत सॉफ्ट दिखते हैं बट ही इज़ वेरी पावरफुल, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ वेरी फार साइटेड। उसके बाद विशेष रूप से भरत जी का राम जी से कितना प्रेम है इस बात को हाईलाइट किया, उनकी कैपेबिलिटीज़ को हाईलाइट किया, ताकि जितने लोग हैं अब ये देखें अब जो अगला राजा आने वाला है ही इज़ ऑल्सो वेरी कैपेबल। तो एक तो दशरथ महाराज थे हु बिकेम लिटिल इनसिक्योर कि अरे मैंने राम को राजा के डिक्लेयर किया, सब लोग बड़े खुश हो लिए, और यहाँ पर रामचंद्र जी हैं जो कि खुशी खुशी बता रहे हैं कि आप लोगों का राजा जो भरत है ना वेरी कैपेबल, बहुत सक्षम है ये। इस प्रकार से उन्होंने लक्ष्मण को भी शांत किया और जितने भी वहां पर अयोध्यावासी रहते थे उन सबको भी खुश किया। तो इससे हम देखते हैं रामचंद्र जी केस में द रामचंद्र इज वेरी एक्सपर्ट इन ब्रिजिंग द गैप। तो सिर्फ राम सेतु नहीं बना राम जी के द्वारा, इसके अलावा और बहुत सारे ब्रिजेस हैं जो कि राम जी ने बनाए, उनके भक्तों ने बनाए। यस हालांकि कुछ ऐसे लोग भी थे जो ब्रिज तोड़ने वाले हैं, लेकिन ये हमारी चॉइस है, हम मंथरा की तरह ब्रिज तोड़ना चाहते हैं या सुमंथरा की तरह ब्रिज बनाना चाहते हैं। सुमंथरा वाज देयर हु वाज अ मंत्री दशरथ महाराज के कोर्ट यार्ड में, ही वाज वन ऑफ द मंत्री, लेकिन ही इज लॉयल टू श्री रामचंद्र। तो हम मंथरा बन के जीना चाहें या सुमंथरा बन के जीना चाहें, सो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू वी वांट टू बिकम, ब्रिज मेकर्स और ब्रिज ब्रेकर्स? ब्रेकर्स, यस वी शुड बी ब्रिज ब्रेकर्स, ब्रिज मेकर्स, यस ब्रिज मेकिंग माना हमको। ओके सो नाउ लेसन नंबर फोर इज भक्ति मेक्स नॉलेज रिलिशेबल, भक्ति मेक्स नॉलेज रिलिशेबल। अच्छा इसका जो एग्जांपल हम देखते हैं इन द केस ऑफ जनक महाराज एंड मदर सीता, हम तो जानते हैं जनक महाराज वाज एक्चुअली सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, ही इज अ परमहंसा राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग, मतलब उनको ब्रह्म ज्ञान ऑलरेडी है, although he is an eternal associate of Lord Shri Ramchandra, लेकिन लीलाओं के अंदर हम देखते हैं कि ना उनको ब्रह्म ज्ञान ऑलरेडी है, लेकिन जब भूमि जा यानी सीता मैया जब उनके जीवन में आई then he started becoming manifesting his leela as a devotee। उसके पहले वो ब्रह्म ज्ञान दिया करते थे, इवन ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए खुद वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी जी को भेजा था आप जनक महाराज के पास जाओ। लेकिन नॉलेज बिकम्स मोर रेलिशेबल जब वो एक्टिविटी में आती है, जैसे अगर किसी को दिया जाए सोने का अगर कटोरा दिया जाए या सोने का बिस्किट दिया जाए, कैन यू रेलिश इट? नहीं, सोने का बिस्किट जाओगे उसको बेचोगे उसके बाद जो पैसा आएगा उस पैसे से आप कुछ खरीदोगे फिर कुछ बनाओगे फिर आप खाओगे तो आपको अच्छा लगेगा राइट। उस तरह से ज्ञान है, ज्ञान को पकाना पड़ता है, उसको जीना पड़ता है, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, उसे मनन करना पड़ता है। जब ये करते हैं देन वी रिलिश नॉलेज। तो इससे भक्ति इज एक्चुअली मदर सीता। तो सीता मैया के आने के बाद जनक महाराज स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग हिज लीला एज अ डिवोटी। अच्छा दशरथ महाराज ने रामचंद्र जी को किस इच्छा से प्राप्त किया था कि मेरे घर प्रभु आए मेरे इष्ट देव आए? नहीं, अयोध्या संभालने के लिए हमें तो एक पुत्र की आवश्यकता है, पुत्री हुई उसका नाम था शांति, लेकिन हमको फिर भी उससे शांति नहीं है, तो बेटी तो चलेगी रोमपद महाराज जी के पास, अब बेटा तो अभी है नहीं क्योंकि राजपाट संभालने के लिए बेटा चाहिए। सो देन ही हैड पुत्र कामेष्टि यज्ञ, उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया पुत्र प्राप्त करने के लिए। तो रामचंद्र जी के रूप में उनको पुत्र प्राप्त हुए, उसमें लक्ष्मण भी हैं, भरत भी हैं, शत्रुघ्न भी हैं और मध्य मध्य।
लेकिन उसके बाद तो उनकी जो कामनाएं थी, अर्लियर ही हैड द डिजायर कि राम यानी पुत्र ऐसा प्राप्त हो जो कि बड़ा दिग्विजयी होगा, शक्तिशाली होगा, अलौकिक होगा, जो अयोध्या को संभालेगा। लेकिन एक बार राम जी जब आ गए, फिर उनकी इच्छा ये नहीं थी कि वो राजपाट संभालने के लिए कोई उत्तराधिकारी मिल जाएगा मेरे को। उसके बाद बस ये था कि अब तो राम है, बस राम मेरे साथ रहे, मैं राम के सानिध्य में रहूं, मेरा राम मुझे इतना प्रिय है। तो जब डिजायर्स व्हेन दे आर टुवर्ड्स द लॉर्ड देन देयर इज शांति। जब भगवान की ओर इंगित हमारी इच्छाएं नहीं होंगी तो आपकी इच्छाएं आपको से तंग करेंगी, और इच्छाएं चाहे आपकी पूरी हो जाए, इच्छाएं पूरी ना हो, दोनों कंडीशन में सेटिस्फैक्शन मिलने वाली नहीं है। लेकिन अगर भगवान की ओर इंगित हो जाएंगे हमारे डिजायर्स, सो डिजायर्स की फुलफिलमेंट होती है जब डिजायर्स भगवान की ओर इंगित होती हैं। और ज्ञान के अंदर जान कब आती है? ज्ञान के अंदर जान आती है जब ज्ञान को हम जीना शुरू करते हैं। दैट मीन्स व्हेन नॉलेज कम्स इनटू एक्शन एंड दैट इज भक्ति। भक्ति और कुछ नहीं है, भक्ति ज्ञान ही है। कई लोगों को लगता है क्या तुम ज्ञान ज्ञान कर रहे हो, भक्ति करो, अब चपाए, एक ही बात है दोनों। एक होता है स्टैग्नेंट नॉलेज, एक होती है नॉलेज इन एक्शन। सो नॉलेज व्हेन कम्स इनटू एक्शन दैट इज भक्ति बेसिकली। नहीं तो पोथी पढ़ते पढ़ते कई लोग अपना जीवन बिताते हैं, बट दे डोंट रिलिश नॉलेज। जैसे उपनिषदों की जो नॉलेज है ना, इट्स मोर ऑफ दैट काइंड ऑफ नॉलेज। लेकिन उपनिषदों की नॉलेज को भी अगर कोई अप्लाई करना शुरू कर दे, वेल वन कैन रिलिश इवन उपनिषदिक नॉलेज, जो कि लगता है ड्राई सी है भाई, एक परम सत्ता के बारे में चर्चा हो रही है, हु इज ऑल परवेडिंग रियालिटी, हु इज सत, हु इज चित एंड ब्रह्मानंद। बट एक बार हम उसके अंदर भक्ति का कनेक्शन जब देखा रहता है, ओ वी रिलिश सो मच। जैसे ईशोपनिषद है, ईशोपनिषद सारे उपनिषदों में इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेंट इज द लास्ट उपनिषद, पर इसी उपनिषद के अंदर जो है नाउ देर इज मोर एंट्री टू पर्सनलिज्म। हम देखते हैं देर इज मोर जॉय इन इट ईशोपनिषद के अंदर, और ईशोपनिषद के अंदर इसलिए हम देखते हैं वैष्णव ने भी कॉमेंट्रीज की, और भी उपनिषद है उसमें भी कॉमेंट्रीज हैं बल्लभ विद्याभूषण ने, पर यस, बट दिस इज वेरी फेमस ईशोपनिषद। सो नॉलेज बिकम्स रिलिशर बाय द पावर ऑफ भक्ति। ओके नाउ नेक्स्ट लेसन, लीडरशिप इज जॉयफुल एटीट्यूड ऑफ सर्विंग अदर्स। सो लीडरशिप लेसन भी हम सीखते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी से, किस प्रकार से औरों की सेवा करने के लिए जो आतुरता है राम जी की, आइडियल एज अ लीडर, आइडियल। राम जी जो है ही इज द वन हु फर्स्ट ग्रीट्स पीपल। जब वो अयोध्या में जाते हैं ना, अयोध्या में वो पहले किसी का हालचाल पूछते हैं, ऐसे नहीं कि मैं राम हूं, पहले तुम सर झुकाओ, सीनियर ड्यूटी सीनियर। राम जी पहले विश करते हैं, कहते हैं हैप्पी दीपावली, हे सब कैसे चल रहा है। देखा जो राजा कैन बी लिटिल, कहता है थोड़ा गंभीर बना रखो अपना, अपने पोजीशन बना, थोड़ी अपनी हैट बना कर रखनी चाहिए लोग। राम जी ऐसे नहीं है। इनफैक्ट अयोध्या के अंदर जो कोई भी अगर कोई खुश होगा, राम जी इज इवन मोर हैप्पियर देन द फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर भी एस्टोनिश होते हैं, कहते हैं हम खुशी है हमारे परिवार की है, लेकिन राम तो हमसे बहुत ही खुश हैं, वाह। सो राम जी सो मच इन टू पीपल। इनफैक्ट व्हेन ही केम बैक, उसके बाद जब ही इज गोइंग टू बी एनथ्रोन्ड एज द किंग ऑफ अयोध्या, उसके बाद सीता और राम जी ने दोनों ने व्रत रखा, दोनों ने यज्ञ किया, और उसके बाद उन्होंने दोनों ने व्रत ये लिया कि हम हर वो प्रयास करेंगे जिससे कि अयोध्यावासी प्रसन्न रहे। यानी कि राजा बनने का जो उनका एटीट्यूड है वो सर्विस एटीट्यूड है, वो पावर को एंजॉय करने का एटीट्यूड नहीं है। ज़्यादा लीडर्स ही करते हैं, वो वांट टू एंजॉय द पावर। ये पावर का एक अपना सुख होता है, ईगो का सुख, आपके आगे सर झुकाते हैं, आपके आगे जी हुजूरी करते हैं, आप में भले ही हजार अवगुण हो लेकिन फिर भी जय हो करते हैं। नाइस, आई लाइक दैट। पर राम जी का एटीट्यूड बीइंग अ लीडर इज नॉट दैट टू एंजॉय द पावर, नो नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो इसलिए वो अपने आप को एक्सप्रेस करते दैट आई एम देयर टू सर्व एवरीवन, उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ही इज वेरी वेरी पेशेंट एज अ लीडर, इफ यू सी रामचंद्र इज वेरी पेशेंट। जैसे वाली को मार दिया, अब मेन ये था भाई सुग्रीव ने कहा भाई वाली मर जाएगा, देन आई एम देयर, हम आपकी सेवा करेंगे, चलेंगे हम लंका की ओर, आपकी हेल्प करेंगे, ढूंढेंगे हम सीता मैया को। पर यहाँ चतुर्मास है, चार मास तक ये सुग्रीव अपनी वाइफ के साथ भी इंजॉय कर रहा है जिसको वाली ने किडनैप किया था, और जो उसकी वाइफ किडनैप हो गई थी उसको भी इंजॉय कर रहा है, और ये मदिरा में लेके और अपना चेयर्स लगे, और राम जी वेट कर रहे हैं।
राम जी ये सोचते हुए वानर है इसलिए थोड़ा अपना भोग विलास करेगा, उसके बाद फिर आएगा। और राम जी पेशेंटली इज वेटिंग। लक्ष्मण जी ने कहा अरे भाई राम जी पेशेंट है, लेकिन उनकी पेशेंस में लेकिन हमारी पेशेंस खराब हो रही है अब। लक्ष्मण जी ने फिर जो सुग्रीव को लताड़ा और सारा जितना पैग वैग था सब वहीं निकल गया। जब लक्ष्मण को देखा ना इस रूप में छक्के छूट गए। वो उसकी वाइफ रोमा, दूसरी वाइफ और सुग्रीव, तीनों तब होश में आए। लेकिन राम जी ही है, ही स्टिल कूल, ही इज वेटिंग, पेशेंस पेशेंस। सो राम एज अ लीडर वेरी पेशेंट एज वेल। यस, जब समुद्र के पास भी गए, समुद्र से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे ब्रिज बनाना है, हम हमें रास्ता दे दीजिए लंका जाने का। 3 दिन तक नो रिस्पॉन्स। 3 दिन कौन वेट करता है, 3 मिनट कोई वेट ना करे। उसके बाद रामचंद्र जी ने जब तीर चला दिया तो अब तो समुद्र ने बोला अरे प्रभु आप हमें सुखाने के लिए तीर छोड़ रहे हैं, आप तो देख ही लेते ना, उसी में सूख लेते हैं हम, ये तो मतलब बहुत ज्यादा ही हो जाएगा, तो इसलिए प्रभु। अब ऐसे नहीं, राम जी ने कहा नहीं अब जो गुस्सा आया है तो तीर छोड़ के मारूंगा मैं। राम जी का he is very patient। ठीक है, सो व्हाट डू यू सजेस्ट, आप चाहें तो मेरे ऊपर ब्रिज बना सकते हैं। तो इसीलिए राम इज वेरी पेशेंट, सामने वाले का हाल क्या है, कौन क्या व्यवहार है, इज वेरी पेशेंट। तो एज अ लीडर, लीडर को पेशेंस रखनी चाहिए। जो नए नए लोग आते, देखो नए नए लोग, जैसे हमारे इवन कोई स्पिरिचुअल सोसाइटी में अगर कोई आता है, नए लोगों को अक्सर मर्यादा नहीं पता होती और मर्यादा का उल्लंघन भी करते हैं, खाने पीने में, बात करने में, बर्ताव करने में, सुबह उठने में, माला जप करने में, व्यवहार में, कोई ना कोई उनको खुद को नहीं बताते हैं बदतमीजी कर रहे हो, उन करते हैं वो भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि नए नए भक्त को नहीं अकल ही नहीं होती उसको कि क्या मर्यादा है क्या मर्यादा नहीं है, कब क्या करना है क्या नहीं करना है, रहता है धोती कुर्ता पहने मतलब भगत हो गए। तो इसलिए जो गुरुजन होते हैं उनको पेशेंस रखनी पड़ती है। विद द पेशेंस वी हैव टू हैव पेशेंस। सो राम जी ही मेंटेन्स हिज पेशेंस विद एवरीवन, दैट्स हिज क्वालिटी। साथ ही जितने भी अयोध्यावासी हैं, अयोध्यावासियों के साथ ही कनेक्ट्स बाय लिसनिंग टू देम। इनफैक्ट उन्होंने एक डिपार्टमेंट खोला राम जी ने, जहां पर कि अयोध्यावासी आएंगे और सिर्फ अपने दिल की बात को कहेंगे, सॉल्यूशन वगैरह कुछ नहीं एक्सपेक्ट करें, वो सुनना हो, अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा कोई अपने दिल की बात कहने के लिए कोई मिले, कोई मिलता ही नहीं आज हार्डली। लाइक समटाइम्स आवर बुक डिस्ट्रीब्यूटर, समटाइम्स पीपल टेक बुक्स, व्हाई, कहते पहली बार कोई व्यक्ति मिला जो मुस्कुराता है। दुनिया में कहा मुस्कुराने वाले लोग ही नहीं मिलते मेरे को, ना हार्डली। मेरे को याद आई, वी वेंट विद वन ऑफ आर डोनर टू मायापुर धाम, तो हम समाधि से, जो प्रभुपाद जी की समाधि है उससे बाहर आ रहे थे हम लोग, इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, तो मुस्कुराते हुए नहीं जा रहा था मैं, कहते हम मतलब आप मुस्कुरा क्यों रहे हो, मैंने कहा हम मायापुर धाम में प्रभुपाद जी की समाधि के दर्शन हुए अभी हमें, एंड नाउ वी आर गोइंग बैक, दिस इज सो नाइस। कहते हाँ सो दुनिया में पीपल आर नॉट लाइक दैट, यू नो। तो इसीलिए लॉर्ड श्री रामचंद्र ही मेक्स हिमसेल्फ अवेलेबल, कि अगर किसी को सुख दुख को शेयर करना हो, हालांकि इस ये डिपार्टमेंट ने इतना एक्टिव था ही नहीं, क्योंकि अयोध्या के अंदर एवरीवन इज वेरी सेटिस्फाइड, सब के सब बहुत संतुष्ट है, एंड द वे ही रेसिप्रोकेट्स विद एवरीवन, वाओ, राम जी सबका दिल जीते थे, एज अ लीडर ही रेसिप्रोकेट्स सो नाइसली। और राम जी के साथ सबका रिश्ता इसलिए नहीं कि राम भगवान है, इसलिए नहीं कि राम जो है अयोध्या के राजा हैं, सबका रिश्ता राम से बिकॉज राम इज वेरी स्वीट, राम इज वेरी पर्सनल, राम जी इज वेरी एंगेजिंग, राम इज वेरी एम्पावरिंग, राम जी ऐसे हैं। सो श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है, इसलिए भी हम देखते हैं कि रामचंद्र जी के भक्त आपको ज़्यादा मिलेंगे, कृष्ण भक्त से ज़्यादा आपको राम भक्त मिलते हैं पूरी दुनिया में, ज़्यादातर जो जगहें हैं वो राम जी से ज़्यादा कनेक्टेड, रीजन बींग राम जी ही बिहेव्स लाइक अ ह्यूमन बींग, ऑल्दो ही इज नॉट ह्यूमन बींग, इसलिए भगवान का एक नाम ये भी है कपट मनुष्य।
ये मनुष्य नहीं है, ये उनके जैसे दिखते हैं, ये उनके जैसे बातचीत कर लेते हैं, ये उनके जैसे कभी क्रंदन भी कर लेंगे, पर ये वो नहीं है, स्टे इज कपट मनुष्य, वो मनुष्य है ना, ना भगवान ही हो। पर लेकिन राम जी बिहेव्स लाइक दैट, कृष्णा बिहेव्स लाइक गॉड ओनली। एक पत्नी नहीं, 16,108 पत्नियां, गोपियां 10,000 करोड़ गोपियां, ये भाई कैसे बचाना है इंद्र के राज से, कहता पर्वत उठा लेते हैं, छोटे मोटे काम करने का ही नहीं, कोई रूप दिखाए कहता विश्व दिखाता हूं मैं विश्व। सो कृष्णा एक्ट्स लाइक गॉड, मतलब कोई कॉपी भी नहीं कर सकता इनको, कॉपी का मतलब एक मिलीग्राम भी कॉपी हो नहीं सकता। पर राम जी बिहेव्स लाइक ह्यूमन बींग, ऑल्दो ही इज नॉट ह्यूमन बींग, ही बिहेव्स लाइक आइडियल सन, आइडियल हस्बैंड, आइडियल ब्रदर, आइडियल विद एवरीवन। जैसे कि अब निषाद, जब निषाद राज से मिले हैं रामचंद्र जी, उनसे उन्होंने अपना कपड़े भी लिए, वनवासी कपड़े भी लिए, उनसे वो गोंद भी ली जिससे कि जटाएं बनाई जाएं, वो भी लिया उनसे। ही एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड गोइंग फॉरवर्ड मैं कभी नहीं बोलूंगा हम चार भाई हैं, मैं बोलूंगा हम पांच भाई हैं। जिनको ये भी लगता है ना ये राम ऊंची जाती नीची जाती, अब अच्छा चले गोसे, यहाँ पर निषाद राज का आलिंगन करके क्या बोल रहे हैं, तो मेरे अब मैं बोलूंगा हम पांच भाई हैं। अच्छा छठा भाई किसको बनाया, विभीषण। मतलब काइंड ऑफ मतलब स्पीशीज को अपने में इंक्लूड करना, सेना नॉट ह्यूमन सेना, वानर सेना, विभीषण को बोला यू आर माई सिक्स ब्रदर, हम बोल मैं बोलूंगा आपसे हम छह भाई हैं, ये पांचवा कौन, निषाद राज, चार भाई ही हैं। ऐसे कौन इंक्लूड करता है, द वे ही डील्स विद एवरीवन, हृदय जीत लेते हैं श्री रामचंद्र। इसलिए जो लोग रामचंद्र जी के बारे में पढ़ते हैं ना सुनते हैं ना, कहते हैं वो बिछ जाते, कहते बस अपना हो गया मेरे श्रीदेव ही ऐसा, और साथ ही उनके भक्तों का जो प्यार है उनके साथ। सो ही बिहेव्स आइडियल, वेरी आइडियल एज अ लीडर, श्री रामचंद्र बिहेव्स सुपर्ब। साथ ही श्री रामचंद्र बींग अ लीडर, विच इज लेसन नंबर 6, कि ही इज एबल टू आंसर टफ क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल वाली, ही आस्क्ड श्री रामचंद्र, आपने मुझे छुप के क्यों मारा, आपको अपनी पत्नी की हेल्प चाहिए थी ना, पत्नी को वापस लेके आना रावण से, रावण को मैंने गोची के बगल में दबा दिया, मैंने उसको आराम से मैं आपकी वाइफ को लेके आया था। तो रामचंद्र जी ने बोला मैं तुम्हारी हेल्प कैसे ले सकता था वाली, जिसने खुद ने अपने भाई की पत्नी को किडनैप किया हुआ है, मैं उससे बोलूँ कि मेरी पत्नी किडनैप होगी तो मेरी हेल्प कर दे, मतलब ये मेरी व्हाट काइंड ऑफ चॉइस वुड दैट बी। तो वाली को लगाया बातों से, वैसे मतलब एक गलत काम करने वाले को ठीक करने के लिए मैं दूसरे गलत काम करने वाले से बोलूँ मेरी हेल्प कर दे, है ना, तू उसी कैटेगरी में एक्चुअली, दैट्स व्हाई आई टू किल यू। यानी छुपके क्यों मारा आपने, सामने आके लड़ते ना आप, सामने आके युद्ध कर लेते मेरे से, मैं जानता हूँ वो भी आप ही जीतते, लेकिन सामने आते ना आप, ऐसे छुपके क्यों मारा मेरे को। तो राम जी ने कहा पहली बात तो पशुओं को छुपके मारने का अधिकार होता है क्षत्रियों को, तो तू पशु है। सेकेंड, अभी सूर्य डायनेस्टी इज इन रूल, अभी हम लोग सूर्य डायनेस्टी से हैं, ऑल दो वनवासी हैं पर है तो सूर्य डायनेस्टी से ना, तो इसलिए टू गिव जस्टिस, जहाँ इनजस्टिस हो रही है, द वे यू ट्रीटेड सुग्रीव इज इनजस्टिस, सो इनजस्टिस में हमको जस्टिस देना, जिसने गलत कार्य किया उसको सजा देना, इसमें कोई पाप नहीं होता, इसलिए भी मैं तेरे को मारा इस तरह से। और साथ ही अफकोर्स एक रामचंद्र जी के में जो पावर है इज इनफाइनाइट पावर, सो रामचंद्र जी की इनफाइनाइट पावर डिवाइड बाई टू कैनॉट एंटर वाली, वाली फट जाएगा, बिकॉज इन्फिनिटी डिवाइड बाई टू कितना होता है, इन्फिनिटी, फट जाएगा वो तो हनुमान जी फटने वाला था वो। वाली जब हनुमान जी के सामने आया था, हनुमान जी सो वेरी पावरफुल, हनुमान जी की कितनी शक्ति है बताई गई है कि 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना एक गजराज में बल होता है, और जितना 10,000 गजराजों में बल होता है उतना एक ऐरावत में बल है, जितना 10,000 ऐरावतों में बल है जो कि इंद्र के वाहन है उतना एक इंद्र में बल है, और जितना 10,000 इंद्र में बल है उतना हनुमान जी के चिच्ची नुंगली के नाखून में बल है। तो ये हनुमान जी का बल डिवाइड बाय टू अगर जाएगा वाली के अंदर, वाली वाज अबाउट टू बर्स्ट, उसकी नसें फट रही, देखा था ये क्या हो गया, मैंने तो इतना प्रोटीन शेक पिया ही नहीं। तो उसके मंत्री ने बताया सर आपके गले में जो लॉकेट है ना मिला हुआ आपको, जिससे कि ओपोनेंट की 50% एनर्जी आपने आ जाती है, वो ट्रांसफर होना भी शुरू हुई है अभी हनुमान जी से, कहता तो फिर कहता है इसको निकालो, निकाला तो जाके फिर बॉडी अपना वापस पुरानी शेप में आई। तो ये हनुमान जी की शक्ति है,
इनफैक्ट एक बार तो जो ऋषिमुख पर्वत था उस पर आना अलाउड नहीं था वाली को, वहां पर मर लेगा वो। तो एक समय तो ये आया था सुग्रीव पर अटैक करने के लिए वाली, उड़ता उड़ता हनुमान जी पेड़ के नीचे पीछे से निकल करके ऐसा पाँव पकड़ लिया इसका, और वाली ने कहा छोड़ दो मेरे को हनुमान, और हनुमान जी उसको नीचे लेके आ रहे हैं, कहते छुआ क्योंकि जैसे ऋषिमुख पर्वत को छुआ सर फट लेगा इसका, छुआ उसने पूरा थॉटल लगा दिया अपना वाली ने, और हनुमान जी उसका आराम से पकड़ के, ओहो तो छूने वाला है नहीं नहीं हनुमान ऐसा मत करो हनुमान, अरे छूने वाले ये तो बस एक इंच और रह गया, नहीं हनुमान नहीं ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, मेरा पांव उसको छू गया ना अगर तो मैं भर जाऊंगा, मैं थोड़ा जो एक सेंटीमीटर और बाकी नहीं 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 ओके छोड़ दिया। तो ये जब सेवक में इतनी शक्ति है तो हनुमान जी तो राम जी तो फिर क्या ही शक्ति होगी। सो इसलिए सो देन व्हेन ही आंसर्ड हिम वेरी डिलिजेंटली लॉजिकली, वो इतने इंप्रेस थे उनके इस टफ चैलेंजिंग क्वेश्चन का जब आंसर मिला राम जी से, ही गेव हिज सन अंगद कि मैं अपने पुत्र अंगद को आपको समर्पित करता हूं, या भी आपकी शरण में रहेगा। सो दैट्स श्री रामचंद्र जी। ऐसे सीता मैया ने भी एक बार उनसे सवाल पूछा, कहते हमने वनवासी वेश धरा हुआ है, वनवासी लोग जो हैं साधु की तरह रहते हैं, लेकिन आपने ये तीर कमान धनुष ये सब रखा हुआ आपने, ऐसा क्यों, तलवार भी आपके पास ऐसा क्यों? और फिर सीता मैया ने उसमें एक पूरा उनको स्टोरी बताई, एक समय इंद्र था, इंद्र ने देखा कि एक देयर वाज वन सेज हु वाज वेरी पावरफुल, तो फिर उसको भटकाने के लिए आए इंद्र, गए इंद्र को ने प्रणाम किया, इंद्र ने कहा मैं थोड़ा मैं शौच होके आता हूँ, आप ही मेरी तलवार संभालोगे जरा। अब इंद्र देवी देवताओं में शौच होता ही नहीं उनकी बॉडी में, तो देर इज नो यूरिन नो स्टूल होता ही नहीं वैसे, तो इसको पकड़ाया और उसमें इंद्र चले गए। अब ये जो व्यक्ति था उसने कहा तो होता क्या, बंदा जब खाली बैठा होता है तो हाथ में कुछ है ही तो हिला रहे हिलाते हिलाते उसने किसी पेड़ को ऐसे छू दिया, पेड़ गिर गया। अरे भाई साहब बड़ा सा एक पेड़ था उसको काटा पूरा पेड़ गिर गया, पेड़ के जो टुकड़े थे उस पे छुआ टुक टुक टुक, क्या बात है इसमें, उन्हें दो चार जानवर निपटा दिया उसने, गैंडा वैंडा आया चक चक शेर वगैरह आया, शेर को उसे छू दिया, शेर दो में स्प्लिट। तो सीता मैया ने कहा देखो अच्छा खासा साधु था, हाथ में तलवार आ गई तो चल पड़ी ना फिर वो, इस तरह से हम भी साधु वेश में हैं, तो इसीलिए ना अगर ये रखोगे ना तीर कमान तो इनको भी यूज करने के लिए फिर वो प्रोवोकेशन भी हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। तो राम जी ने ये वेरी गुड रिप्लाई, उन्होंने कहा हमने वनवासी वेश लिया है लेकिन हमने क्षत्रिय होने की जो सेवा है वो नहीं छोड़ी हमने, हम लोग यहां पर हैं वनवासी वेश, हमको ये बोला ना आपको भाई 14 साल वन में वास करना है, ये तो नहीं बोला ना कि आप अपना क्षत्रिय धर्म त्याग दो 14 साल के लिए, ये नहीं बोला, और हम यहां पर आए ही इसलिए हैं क्योंकि हमें साधु संतों की सेवा करनी है, तो इसलिए हमें ये धनुष बाण और ये खड़ग इत्यादि हमने रखे। हालांकि राम जी चाहें तो बींग परमात्मा किसी को वैसे ही मार दें, भाई परमात्मा रूप में है ही, हार्ट के अंदर करना क्या, अंदर कलेजा तो दबाना बंदे का, बस बंदा मर लेगा, बट एज अ मैटर ऑफ लीला एज अ मैटर ऑफ डूइंग क्षत्रिय धर्म देन ही इज डूइंग दिस। सो राम जी इज वेरी एक्सपर्ट इन आंसरिंग पीपल्स क्वेश्चन, कभी राम जी इज नॉट डम फाउंडेड कि राम जी चुप ही रह गए उसके बाद, ऐसा नहीं है। सो दैट इज ऑल्सो वन मोर लेसन विच वी लर्न फ्रॉम श्री रामचंद्र दैट ही इज वेरी एक्सपर्ट इन आंसरिंग क्वेश्चंस। साथ ही द लॉर्ड इज द ग्रेटेस्ट हीलर, वन मोर लेसन विच वी लर्न इज द लॉर्ड इज द ग्रेटेस्ट हीलर। रामचंद्र जी जो आते हैं किसी के जीवन में तो जो भी वूंड्स हैं हमारे हृदय के अंदर हमारी भावनाओं में किसी ने जो भी वूंड्स पहुंचाए हैं, और आप देखो कभी कभी ना वूंड्स हमसे ठीक नहीं हो रहे होते हैं, किसी ने अगर हमें बहुत कष्ट दिया है तो वो वूंड्स रहते हैं। तो ऐसे ही रामचंद्र जी जब दंडकारण्य फॉरेस्ट गए तो वहां पर जो ऋषि मुनि हैं दे वर वेरी डिलाइटेड टू सी श्री रामचंद्र, उनको लेकर के आए फॉर अपने वन में जो उनका रेजिडेंस प्लेस ही वहां पर लेकर के आए जो उनके रहने का स्थान है, और उनको आश्रम दिखाते 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 एंड देन उसके बाद फिर उन्होंने दिखाई देयर इज वाज अ हीप ऑफ बोन्स। रामचंद्र जी ने कहा ये क्या है, बोले ये साधु महात्माओं की बोन्स पड़ी हुई हैं, क्योंकि अक्सर जब कोई साधु तपस्या कर रहा होता है राक्षस लोग आते हैं
और वो लोग आकर के क्या करते हैं, उसका फ्लैश खा लेते हैं और हड्डियां फेंक देते हैं। सो वी आर टेरिफाइड कि यहाँ तपस्या करें तो कैसे करें, राक्षस आकर के यहाँ पर अटैक करते रहते हैं बार बार। सो वी आर वेटिंग फॉर यू। तो बेसिकली उन्होंने सारे जो उनके वूंड्स हैं इन द फॉर्म ऑफ दीज बोन्स, ये किसको दिखाए, रामचंद्र जी को। रामचंद्र जी ने उस वक्त सबके आगे प्रतिज्ञा ली, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं मैं शीघ्र अतिशीघ्र इस फॉरेस्ट में जितने भी राक्षस लोग हैं उन सबका अंत कर दूंगा ताकि आप सब यहां शांति से तपस्या कर सकें, साधना कर सकें। और जैसे ही राम जी के शब्द सबने सुने, जो भी हृदय के अंदर थोड़ा सा एक असंतोष था, एक इनसिक्योरिटी थी, एक असुरक्षा का भाव था, या पुराने ग्रजेस थे, या लग रहा था तपस्या क्या ही करें राक्षस लोग आके तंग करते रहते हैं, ये सारे भाव इमीडिएटली चले गए, खत्म हो गए राम जी के सिर्फ इस प्रतिज्ञा लेने से। अभी राक्षस हैं, सिर्फ राम जी ने प्रतिज्ञा ली है, इसी से ही उनके हृदय में संतोष आ गया। सो लॉर्ड इज द ग्रेटेस्ट हीलर। और आप देखिए ऐसा होता भी है, अगर आपके हृदय में कोई वूंड्स हैं, कुछ ऐसे घाव हैं जो किसी ने दिए हैं, आप ना भगवान को एक्सपोज करिए उनको। आप रुक्मिणी द्वारकाधीश के पास जाइए यहाँ पर, या सीताराम जी के पास जाइए और हमसे प्रार्थना करिए, प्रभु वो हील नहीं हो रहे, वो बहुत कष्ट मिल रहा है उसे, कृष्णा इफ यू कैन काइंडली हेल्प मी समथिंग, यू नो श्री रामचंद्र जी प्लीज हेल्प मी। और आप देखो देन यू इमीडिएटली स्टार्ट रिकवरिंग फ्रॉम दैट, ना सिर्फ रिकवरिंग बल्कि ना अगली बार आप देखोगे आपको कोई घाव दे भी नहीं पाएगा, मतलब घाव आएगा तो हल्का बोल गया, मतलब यू रिकवर वेरी फास्ट। सो भगवान आपकी हीलिंग पावर को फास्ट कर देते हैं। सो कृष्णा हील्स आवर वूंड्स, यस। तो इसीलिए कभी को कष्ट हो क्या करना चाहिए, भगवान के पास जाना चाहिए, यस, या भगवान की किसी प्रतिनिधि के पास जाना चाहिए। जैसे साधु संत महात्मा चाहते तो ये हड्डियों को दफन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने दफन नहीं किया, कोई राम जी का एक्सपोज करेंगे, राम जी विल डू द सॉल्यूशन। तो अगर हम भी कुछ अगर जख्म है इनको डिस्पोज ऑफ नहीं कर पा रहे, अगर हम भगवान के पास जाना चाहिए। गॉड इज द ग्रेटेस्ट हीलर इवन इन द फॉर्म ऑफ टाइम। समय के साथ भी चीजें हील हो जाती हैं, पर समय किसकी शक्ति है, भगवान की शक्ति है, यस। हर लोग बोलते हैं यू नो देन ऑन इट्स ओन आई रिकवर्ड, धीरे धीरे करके फिर मैं अपने आप ही ठीक हो गया। सर अपने आप कुछ नहीं होता, भगवान करते हैं, इनविजिबल रूप में, अदृश्य रूप में भगवान करते हैं। सो दिस इज द सेवंथ लेसन, सो दैट लॉर्ड इज द ग्रेटेस्ट हीलर। सो पहला लेसन क्या था, इनर रिचनेस ओवर राइड्स एक्सटर्नल ओपिनियंस। सेकेंड, नेगेटिविटी मेक्स बैड बार्गेन इन टू वर्स्ट बार्गेन, या थर्ड वी हैव द चॉइस ताकि हम ब्रिज मेकर बने या ब्रिज ब्रेकर बने। फोर्थ लेसन इज भक्ति मेक्स नॉलेज रिलिशेबल, यस। और डिजायर किसी और डोटेल होनी चाहिए, भगवान की ओर, यस। लेसन नंबर फाइव, लीडरशिप इज अ जॉयफुल एटीट्यूड ऑफ सर्विंग अदर, सबकी सेवा करने का एक प्रसन्नचित जो भाव है वो लीडर के अंदर होना चाहिए। लेसन नंबर सिक्स इज लीडर शुड बी एबल टू आंसर टफ क्वेश्चंस। एंड देन लेसन नंबर सेवन इज लॉर्ड इज द ग्रेटेस्ट हीलर। तो कुछ ऐसे अगर आपके घाव हैं जो कि ठीक नहीं हो पा रहे, भगवान के पास जाइए, उनके नाम में जाइए, कीर्तन सुनिए। कीर्तन सुनते सुनते कईयों के घाव भर गए, वो हो गया जो हो गया ना हो गया, दैट्स इट। नाम में जाइए, नाम में भगवान हरि और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। सो दीज आर द सेवन लेसन्स टू बी लर्न फ्रॉम रामायण ऑन द ओकेजन ऑफ दीपावली। सो वेरी वेरी राम कॉन्शियस दीपावली टू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा, सियावर रामचंद्र की जय, श्री प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद, मसाया ऑफ मिलेनियम, श्रील प्रभुपाद, मसाया ऑफ मिलेनियम।